बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब मेरे मेके वाले? उम्मीद करते कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अभी हम कर रहे हैं काम यहाँ पर। जी कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास काफ़ी अरसे से, आई थिंक 5-6 साल से मेरे पास जमा हुआ के कपड़ा पड़ा हुआ था। ऐसे मैं काम नहीं कर रही थी तो सोचा अनजल्ला के लिए इसका गरारा स्टिच कर दूँ। ये भी मुझे तंग करने वाले, क्यों तंग कर रही हो, क्या मसला है? तो इसकी कटिंग कर दी थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलो, और इस तरह मेरा व्लॉग्स भी बन जाएगा। इसका मैंने गरारा कटिंग कर लिया है, अब इसके साथ ही पीस बचा, देखो इसके क्या करते हैं। अब इसके साथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ शर्ट, अच्छा इसके साथ शर्ट कौन सी बनाओ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों के साथ, शेयर करती हूँ। जब स्टिच हो जाएगा तो तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पकड़ा मुझे अपना, ये दो खाली दो, उफ बहुत वजनी आपसे उठाई नहीं जाती, निकाल के रखा मेरा काफी, कुछ तो समझ नहीं आ रहा इसके साथ कौन सी स्टिच करूं। मेरे पास ये है पीस ब्लैक कलर का, ये इसके साथ अब्राहम पीछे हटाओ ना बेटा, देख लिया देख लिया, देखो टूट गया ये। हाँ चलो बस, जी ये देखिए मैंने, ये भी मेरे पास पीस पड़ा हुआ था। अब सोच रही हूँ कि इस ब्लैक के साथ ही गरारा अच्छा लगेगा। आप लोग बताइए कि इसके कम्बिनेशन कैसा जा रहा है दोनों का। ये है शर्ट, ये फ्रंट राइट साइड है, सीधी साइड है, और ये है उल्टी साइड। तो सोच रही हूँ इसके ऊपर लेस वगैरह, अब राहत पीछे दो काम करने दो। ये देखिए कि बताइए कि इसके साथ अच्छा लगेगा ना। ये शर्ट बना रही हूँ, इसके लॉन्ग यही फुल पीस था, बस यही इतना सा पीस है। तो अब इसके लिए ब्लैक लगाऊंगी, और या तो इसके साथ के ये स्लीव्स लगाऊंगी या ब्लैक प्लेन में। अब दोस्तों क्या करती हूँ समझ नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों से बनाया हुआ, शादी आ रही है इसके लिए, और मेरी मशीन भी हो रही है ख़राब। अब देखो मैं लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी, फिर बताइए कैसा लगेगा, मुझे बताइए ये कंट्रास्ट अच्छा लगेगा ना, ब्लैक और ये फरोजी कलर है। और भी है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि मेरी मशीन भी तो ख़राब हो रही है, फिर जब हुआ कैसा नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत तो लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आई थिंक प्लेन ही अच्छा लगेगा। अब जो बताइएगा इसको प्लेन में रखूं या इसको स्टिच लेस वगैरह, क्योंकि अगर मैं दामा पे इसके ये शर्ट बनाऊंगी, फ्रॉक वगैरह नहीं, पीस कम है तो मैं इसके शर्ट बनाऊंगी। ये बहुत प्यारा कपड़ा है, नेट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि लेस दामा पे लगाऊंगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लचक वाला कपड़ा है। ये मेरे यहाँ पर ज्वाइंट था, ज्वाइंट को छुपाने के लिए मैंने इसके ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड बनाऊंगी इसके बैक। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना ये ज्वाइंट लगा हुआ है, इसको छुपा रहे हैं, इसके ऊपर लेस लगा दूँ। लेसेस भी आई थिंक काफ़ी पड़ी हुई है मेरे पास, ये देखिए मेरे पास बहुत सारे पीस पड़े हैं, बस टाइम नहीं मिलता, टाइम की तबीयत सेट नहीं रहती है। ये मेरे जब मेरी बेटी छोटी सी तकरीबन 3-4 मंथ की, तब से मैंने कटिंग करके मेरा दुपट्टा था, मेरा दुपट्टा बिल्कुल न्यू था जिसके मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, सूट इसके साथ कहीं फट वगैरह किया तो ये फिर मैंने रखा था। लेसिस भी मैंने कल निकाली है, इसके ऊपर कौन सी लेस अच्छी लगेगी, ये भी लेस है इसके साथ की, और ये भी है, ये भी पड़ी, ये भी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि घर से ही निकाल के सब कुछ करूँ। ये देखिएगा जी, इसके ऊपर अच्छी लगेगी ना, अगर मैं गले पे लगा दूँ इसके तो अच्छा लगेगा, ये नहीं गले पे नहीं है, दामनों पे, ये दामनों पे अच्छा लगेगा, गले पे तो ऐसे हल्की फुल्की से लगाऊंगा, ट्राई करता हूँ अगर इसके ऊपर अच्छा लगा तो, या फिर ऐसे कोई सिंपल सी और ला के लगा लूँ ऐसे, क्यों भाई बताइए। आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या कैसे सोची हूँ डिज़ाइनिंग, आप मुझे बताइए कि मैं डिज़ाइनिंग अच्छी कर रही हूँ ना, ये लोगों को बुरी लगे, मैचिंग की लेके आऊँगी ऐसे लगाऊंगी। जी फ्रेंड यहाँ पर अंजना लेके आ गई थी अमरूद, वो हम एंजॉय कर रहे थे, मैं तो बस 2-3 खाए थे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ खा लेती हूँ तो उससे मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, वो ख़राब होती है, क्योंकि मैं आजकल कुछ भी हर चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ, अगर खा लेती हूँ तो वही फिर जैसे पहली कंडीशन होगी थी वो ना, वही होना स्टार्ट हो जाती है।
अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। एक प्रेस बटन करने में क्या ज़्यादा आप लोगों का। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।